आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित यात्रा को लेकर कटिहार प्रशासन ने दिव्यांग पिंकी और उनकी टीम को बड़ा जिम्मेदारी सौंपी है। दिव्यांग पिंकी और उनकी पूरी टोली को विकास भवन के दीवारों पर मिथिला पेंटिंग के माध्यम से सामाजिक जागरूकता वाले संदेश के साथ पेंटिंग तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे पूरा करने के लिए पिंकी और उनकी टीम पूरी तन मन से जुटे हुए हैं। बाल विवाह, नशा मुक्ति, जल जीवन हरियाली और कई सामाजिक जागरूकता के मुद्दे पर विकास भवन के दीवारों पर तैयार किए जा रहे पेंटिंग विकास भवन की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद अपनी इस जिम्मेदारी को लेकर कितने उत्सुक है पिंकी और उसकी टीम और वर्षों से दिव्यांगों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पम्मी चौधरी इस जज्बे पर कैसे हौसला बढ़ा रहे हैं, इस पर कटिहार से एक रिपोर्ट। क्या क्या टॉपिक पर बना है और सीएम के आगमन के लेकर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिला है? सर, यहाँ टॉपिक यही दिखाया गया, दर्शाया गया है कि ये दहेज प्रथा हुआ, नशाबंदी हुआ और ये वृक्षारोपण हुआ और स्वच्छता हुआ, ये सब हम लोग इस थीम्स पे बना रही हूँ पेंटिंग। और कहाँ पर बना रहे हैं? ये हमारे विकास भवन है। और क्या जिम्मेदारी मिला, कितना स्क्वायर फीट में करना है? यहाँ पे 1400 स्क्वायर फीट पे बनाने के लिए दिया गया है पेंटिंग। आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, जो लोग और आपके साथ है उसमें भी कई लोग दिव्यांग हैं, आप ही के द्वारा स्कूल के सभी बच्चे हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? ये बड़ी जिम्मेदारी मिला है आपको, शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद बड़ी जिम्मेदारी मिला है। सर, ये जो जिम्मेदारी मिली है, बट मैं दिव्यांग हूँ, अपने मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं दिव्यांग हूँ, मैं दिव्यांग नहीं हूँ, अपने काम को अच्छे से कर रही हूँ। और भी सारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं और हौसला बुलंद करके हम सब मिल करके यहाँ काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ अच्छा करें, बहुत हट के करें। और जो हमारे सीएम साहब आए, उन वो देख के हमारी कला को वो खुश हो जाएं कि एक दिव्यांग होकर के भी हम लोग इतना अच्छा कला कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी कुमारी। इस पहल को कैसे देखते हैं? बाकी कई लोग हैं, कैसे देखते हैं इस पहल को? पहले तो मेरी तरफ से पिंकी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं दिव्यांगों के लिए हमेशा से आगे रही हूँ और हमेशा रहूँगी। दिव्यांग भाई बहन कुछ आगे बढ़ के कुछ करते हैं, अपनी कला को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत खुशी होती है। और ये नहीं, इनकी जो आप, इनका जो आप कला देख रहे हैं, जो दीवालों में रंगा हुआ, ये मधुबनी पेंटिंग हमारे बिहार की शान है। आज से नहीं, और इस शान को हमारे दिव्यांग भाई बहन आगे बढ़ा रहे, इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है कि ये कला जो मुख्यमंत्री के आगमन पे बनाया जा रहा है वो भी प्रभावित हो और हम दिव्यांग जनों के लिए कुछ करें, यही उनसे उम्मीद है। क्या नाम? पम्मी चौधरी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।